करते करते हर व्यक्ति समाज के लिए निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाला बने। प्रांत के कोने कोने से 7,000 से भी अधिक माताएं और बहनें भी यहां आईं और उन्हें संघ के वरिष्ठों द्वारा हिंदू जीवन पद्धति का स्मरण कराया गया। उसी शाम 5 बजे सार्वजनिक समारंभ संपन्न हुआ। स्वागत प्रणाम। 1, 2, 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक, 2, 3, 4, 5। स्वयं सेवकों द्वारा एक साथ शारीरिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। 1586 वादकों द्वारा अनुशासनबद्ध घोष प्रदर्शन हुआ। यहां आए सभी दर्शक गण ये सब देखकर रोमांचित थे। समारोह के मुख्य अतिथि थे भारतीय सेना के निवर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वीजे सुंदरम। उनके आश्चर्य भरे उद्गार थे, ये सब अद्भुत है, इस पर विश्वास करना असंभव है। ಕಂಠಗಳಿಂದ ಸ್ವರವೊಂದು ಮೊಳಗುತ್ತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ। ಹಿಂದೂ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗಮ ಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಜಿಗ್ಜಿನ್ನಿ ದ್ವಾರಾ ಸ್ವಾಗತ ತಥಾ ಶಿಬಿರ ಕಾ ವೃತ್ತ ನಿವೇದನ ಕಿಯಾ ಗಯಾ। ಸಮಾರೋಹ ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಿವರ್ತಮಾನ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಸುಂದರಂ ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಪ್ರದ ಭಾಷಣ ಸೆ वहां मौजूद हजारों लोगों के हृदय में भारत की सामर्थ्य के बारे में एक नया विश्वास जागा। लेट इंडिया बिकम डेवलप्ड कंट्री, इंडिया कैन डू इट। नमेल आगते, इंडिया नल आगल्ला अंत हेळबेडि, इंडिया नल आगते। स्वल्प टाइम स्वल्प प्रयत्न माडि, एल्लरू ओट्टिगे सेरिसि, इल्लेल्ल सेरिसिद्रु अदे तर ओट्टिगे सेरि तिरुगा माडि इंडिया नल आगते। स्वागत समिति के गौरव अध्यक्ष पूज्य मूरुसाविरा मठाधीश श्री गुरु सिद्ध राज योगेंद्र स्वामी जी ने संबोधन किया कि भारत माता के गौरव हेतु हम सब अपने प्राण समर्पित करें। पूज्य सर संघ चालक माननीय श्री मोहन जी भागवत ने समाज से आह्वान किया कि वो भी संघ कार्य में सहभागी बने। पथ संचलन देखने के लिए रानी चन्नम्मा चौक में गया था हुबली में, तो सामने से नारा लग रहा था, देश की रक्षा कौन करेगा, आरएसएस आरएसएस। मैंने सरकारी आजी को कहा कि ये गलत बात है, देश की रक्षा कौन करेगा, आरएसएस। आरएसएस को भी ठेका नहीं देना है, क्योंकि आरएसएस स्वयं कहता है ठेका लेने से काम नहीं होगा।
सबको स्वयंसेवक बनना पड़ेगा, गुणवत्ता संपन्न बनना पड़ेगा, समाज हित में जीने की कला सीखनी पड़ेगी, समाज के सब लोगों को साथ चलाने की कला, उनके साथ चलने की कला सीखनी पड़ेगी। देश की रक्षा एक संगठन भी नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद मैंने सुना वो नारा बदल गया। क्यों बदला मुझे मालूम नहीं, किसी ने बताया क्या मुझे पता नहीं, लेकिन नारा बदल गया, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। संपूर्ण समाज को आज यह संकल्प लेना पड़ेगा, देश की रक्षा हम करेंगे, और उस संकल्प के पूर्ति के लिए स्वयं को योग्य बनाने के लिए संघ के संस्कारों को पाना होगा। सबको इसको ग्रहण करना पड़ेगा। हम सबको बुलाते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं, हम देश के पक्ष में हैं, हम राष्ट्र के स्व के पक्ष में हैं, हम अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के संरक्षण के पक्ष में हैं। हम हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और उसके द्वारा विश्व का कल्याण, सुख शांति से भरा, समाधान से भरा नया विश्व, उसके पक्ष में है। उसके पक्ष में भारत को खड़ा करने से विश्व कल्याण से लेकर आत्म कल्याण तक सारी बातें सुविधापूर्वक संपन्न हो सकती है। और इसलिए इस हिंदू शक्ति संगम के समापन के इस भव्य दृश्य के समय मैं आपको एक आवाहन करता हूं कि केवल दर्शक मत बने रहिए, संघ की शाखा में आकर इन संस्कारों की साधना सतत करते रहिए। मैदान में जगह जगह लगाए गए डिजिटल पर्दों की वजह से पूरे कार्यक्रम को देखना बेहद आसान हो गया था। देश विदेश के हजारों लोगों ने अपने अपने स्थान से ही 6 वेबसाइटों द्वारा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। पत्रकारों के समुदाय 3 दिन तक शिविर में ही उपस्थित रहे और उन्होंने जो आकर्षक तथा जानकारी भरा वृत्तांत भेजा उसे सभी समाचार पत्रों ने महत्व देकर प्रकाशित किया। टेलीविजन चैनलों ने भी अत्यंत उत्साहपूर्ण वृत्तांत प्रसारित किए। शिविर की अवधि के दौरान एक तेज तूफान आया था, लेकिन स्थिरता से खड़े रहे ध्वज स्तंभ ने यह दिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हों, संघ के कार्यकर्ता दृढ़ चित्त रहते हैं। कर्नाटक उत्तर प्रांत के सभी 16 जिलों और 106 तहसीलों के 1983 गांव देहातों से आए 21,763 स्वयंसेवक शक्ति का संदेश लेकर और भारत माता के भव्य भवितव्य का भरोसा मनों में भरकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। सभी लोगों की जबान पर शिविर गीत भारत वर्षद भव्य नवोदय बैसीदे शक्ति संगम अवव मौजूद था। भारत वर्षद भव्य नवोदय बैसीदे शक्ति संगम अवव, जिसका अर्थ है इस शक्ति संगम ने भारत वर्ष के भव्य नवोदय की अपेक्षा जगाई है। आइए समाज की दुर्बलता को दूर करते हुए शक्ति संपन्न हिंदू समाज का निर्माण करने का संकल्प करेंगे, संगठित होकर कदम आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की जय।